सिवनी मालवा विधानसभा की टप्पा तहसील डोलरिया में वाहन चेकिंग के दौरान 22 टू व्हीलर और 2 फोर व्हीलर वाहनों के चालान काटे गए। डोलरिया थाना प्रभारी उमाशंकर यादव ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह के दिशा निर्देशन पर सोमवार के दिन वाहन चेकिंग की गई, जिसमें 22 टू व्हीलर वाहनों पर कागज नहीं होने और 2 फोर व्हीलर वाहनों पर भी कागज नहीं होने के दौरान चालान बनाए। वहीं कुछ लोगों को हेलमेट लगाने के सहित यातायात के नियमों का पालन करने की भी हिदायत दी गई। वहीं थाना प्रभारी ने स्कूली बच्चों के सामने बताया कि पुलिस किस प्रकार से वाहन चेकिंग कर चालान बनाती है, ये बात भी बच्चों को बताई गई। सिवनी मालवा से संतोष चंदेल की रिपोर्ट।